सड़क हादसे से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। हादसे में पुलिस की कार्रवाई में 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ महिलाओं से भी हाथरस पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोगों की CDR खंगाल रही हाथरस पुलिस। प्रदेश के कई जनपदों में दबिश दे रही है। ADG जोन आगरा ने कई जिलों में बनाई है पुलिस की टीमें और ये टीमें लगातार उन लोगों को पकड़ने का काम कर रही हैं जिन्होंने हाथरस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो हाथरस हत्याकांड जिसमें 121 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं, बेहद दुखद हादसा। कल आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अस्पतालों में घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचे और अब एक्शन की बारी है। 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ महिलाओं से पूछताछ हो रही है। उधर हाथरस हादसे में पुलिस ने आरोपियों की तलाश अब तेज कर दी है। इसको लेकर हाथरस से लेकर मैनपुरी तक जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस आयोजकों और सेवादारों की तलाश में जुटी हुई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं। उधर मैनपुरी में भी देर रात पुलिस की टीम पहुंची, जहां आश्रम में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस की टीम आश्रम के अंदर और बाहर करीब 1.5 घंटे तक मौजूद रही। इस दौरान आश्रम में मौजूद लोगों से पूछताछ की गई है, लेकिन पुलिस की टीम को बाबा सूरजपाल नहीं मिला है। तो मुख्य सत्संगकर्ता अमरपाल, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, सूरजपाल माफ कीजिए, तीन भाइयों में एक भाई सूरजपाल जो दूसरे नंबर का है, देखिए बेशुमार इनके पास संपत्ति है, अपने नाम पर कुछ नहीं है और सब कुछ इन्होंने दूसरों के नाम पर ले रखा है। ये वो आश्रम जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि गांव के लोगों की जमीन पर कब्जा करके इसको बनाया गया है। सुमित शर्मा हमारे साथ और जानकारी के साथ इस समय लाइव मौजूद है हाथरस से, सीधे रुख करेंगे हाथरस। सुमित शर्मा, बड़ा सवाल यही है कि 20 लोग तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन ये अमरपाल नामक, जो कि कई और नामों से भी जाना जाता है, सफेद कपड़े पहनता था तो इसलिए सफेद सूट वाले बाबा हो गए, भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये सूरजपाल है कहां, इसका कोई सुराग मिल पाया है? देखिए कंचन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाथरस पुलिस ने कई टीमें पूरे मामले में गठित की हैं, जो जगह पूरे उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में दबिश दे रही है लगातार, और जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। मधुकर की तलाश अभी जारी है, पुलिस ने कई लोगों की CDR अभी निकाली है इस पूरे मामले में और लगातार टीमें दबिश दे रही है। अभी पुलिस ने 20 लोगों को लगभग हिरासत में लिया है और हिरासत में लिए हुए 20 लोगों से पूछताछ अभी कंटिन्यू जारी है, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, उनकी पूछताछ की गई थी, किस तरह से घटना हुआ, आप लोग वहाँ से कैसे निकले थे। और इसमें लगभग अभी जो जानकारी सामने आई है कि कुछ महिलाओं को भी हाथरस पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। ADG अनुपम कुलश्रेष्ठ जनपद में कैंप कर रही है। ADG ने पूरे जोन में कई टीमें गठित की हैं अलग अलग जनपदों में, जो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई, कई लोगों की CDR भी इसमें पुलिस खंगाल रही है, लोगों की कॉल रिकॉर्ड खंगाल रही है। अगर सूरजपाल और बाबा की बात करते हैं तो बाबा की अभी फरार है, पुलिस तलाश कर रही है, पुलिस उस पूरे मामले में जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी और पुलिस पूरे एक्शन मोड में है। जल्द से जल्द इसमें जितने भी लोग हैं जो कि सामने आते जा रहे हैं विवेचना में, इन्वेस्टिगेशन में, उन सबको गिरफ्तार करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, कल हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो घायल थे, जो पीड़ित परिवार के लोग थे, उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन अब एक्शन की बारी है। सुमित, 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जानकारी ये भी मिल रही है कि कई महिलाओं से भी पूछताछ की जा रही है। देखिए, पूरी रात हाथरस पुलिस ने एक अभियान चलाया है जिसमें कई जनपदों में हाथरस पुलिस की टीमों ने दबिश दी है। उस दौरान लगभग 20 लोगों को हाथरस पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनको रखा गया है, उनसे पूरे प्रकरण में पूछताछ हाथरस पुलिस कर रही है। लगभग 4 महिलाओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे इस पूरे मामले में विस्तार से पूछताछ जारी है। अभी उसके आधार पर पुलिस के पूछताछ के बाद कितने लोगों को जेल भेज दी, अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर दबिश दे रही है, जल्दी उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस पूरे इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में है और पूरे उत्तर प्रदेश में ही कई टीमें गठित की गई हैं इस पूरे मामले को लेकर। और सुमित, ये जो भोले बाबा नामक शख्स है जिसका सत्संग चल रहा था, इसके जो आप कहिए भक्त हैं,
वो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि लगातार अब खुलासे हो रहे हैं। क्या जानकारी मिल रही है कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि और राज्यों में भी इसकी धरपकड़ के लिए टीमें बाहर निकलेंगी या और राज्यों की पुलिस से संपर्क किया जाएगा? अभी तो उत्तर प्रदेश में ही तलाश इसकी की जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इस पूरे प्रकरण में लगभग 121 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई है, क्योंकि इतना बड़ा आंकड़ा है और मरने वालों की संख्या जो है, मरने वाले जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के आसपास के प्रदेशों के भी रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें, और भी जितने प्रदेश हैं उनके जो दर्शनार्थी हैं, जो भक्त हैं, वो वहाँ से आते हैं। बाबा का जब प्रसंग लगता है तो एक दिन दो दिन पहले जो भक्त हैं वो वहाँ पहुँचते हैं कार्यक्रम स्थल पर प्रवचन सुनने के लिए। और जोन के कई जनपदों से जो टीमें गठित की गई हैं, कई एसओजी टीमें लगाई गई हैं, वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर प्रदेशों में भी जाकर दबिश दे रही है। सीडीआर खंगाली जा रही है, जिसकी लोकेशन जहां ट्रैप हो रही है, पुलिस वहां दबिश देने जा रही है। और इनके जितने भी सबसे जरूरी है इस शख्स का पकड़ा जाना, इस बाबा सूरजपाल का पकड़ा जाना, जिसके लिए लगातार तलाश अब तेज कर दी गई है। पुलिस की बकायदा एक कई टीमें तैयार की गई हैं इसकी धरपकड़ के लिए। हम उम्मीद करेंगे जल्दी इसकी गिरफ्तारी हो। बहुत शुक्रिया आपका सुमित जानकारी के लिए।